पांचवें चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन, रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान। खत्म हुआ सस्पेंस का सिलसिला, रायबरेली से राहुल गांधी बने कांग्रेस के उम्मीदवार। केएल शर्मा अमेठी से लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, 20 मई को अमेठी और रायबरेली में सीट पर मतदान। रायबरेली से प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगे चुनाव, इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार। अमेठी और रायबरेली में नामांकन की तैयारियां पूरी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिल्ली से रवाना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रायबरेली सीट से राहुल गांधी के लड़ने पर कसा तंज, कहा कि गांधी परिवार जहां से हारते हैं वहां से दोबारा वहां जाती नहीं। गिरिराज सिंह ने कहा कि जैसे अमेठी को छोड़ दिया वैसे ही रायबरेली से लड़ रहे हैं, हारेंगे और रायबरेली को भी छोड़ देंगे। अमेठी से हार गया राहुल गांधी, हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए, इस बार रायबरेली भी हारेंगे वहां छोड़ देंगे। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा कि राहुल गांधी की उम्मीदवारी से बीजेपी को जवाब मिल गया। रायबरेली के कांग्रेस कार्यालय केंद्रीय कार्यालय में लगने लगे कांग्रेस के झंडे, पोस्टर्स, तस्वीरें, हवन की भी तैयारियां। अमेठी और रायबरेली सीट पर ऐलान के बाद से बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा कि अमेठी हम पहले ही जीत चुके हैं, रायबरेली और मैनपुरी भी जीतेंगे। राहुल के रायबरेली से लड़ने के ऐलान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि कांग्रेस की दुर्गति देखी नहीं जा रही, हालात ये हो गए कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने पर बोले जेडीयू प्रवक्ता, कहा कांग्रेस की आखिरी उम्मीद प्रियंका गांधी ने भी चुनाव लड़ने से किया इनकार, कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी है। रायबरेली अमेठी से चुनाव पर यूपी बीजेपी चीफ की दोडूक बोले कि पूरे प्रदेश में गायब हो चुकी है कांग्रेस। कांग्रेस पूरी गायब है, राहुल गांधी 5 साल से नहीं दिख रहे, प्रियंका गांधी गायब है, सोनिया गांधी जी राज्यसभा चली गई राजस्थान से, तो पूरी उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पलायन कर चुकी है। चुनावी रण के बीच में आज बंगाल और झारखंड में प्रधानमंत्री की जनसभा, दोनों ही राज्यों में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। आज सुबह 11 बजे बंगाल के वर्धमान में पीएम मोदी की रैली, लोगों को करेंगे संबोधित। दोपहर 1 बजे बंगाल के कृष्णानगर में होंगे पीएम मोदी, जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 2:30 बजे के बाद झारखंड में पीएम की जनसभा, सिंहभूम में करेंगे रैली। बीते दिन जामनगर में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा, बोले कि हमारे देश में राजा महाराजाओं ने अखंड भारत बनाने के लिए अपनी पीढ़ियों का राजपाट उनको दे दिया। आज कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा में गृहमंत्री अमित शाह की मेगा रैलियां, 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आज कर्नाटक के चिक्कोड़ी लोकसभा में गृहमंत्री ने चुनावी रैली शुरू की, लोगों से रूबरू होंगे। दोपहर 2 बजे तक महाराष्ट्र पहुंचेंगे गृहमंत्री अमित शाह, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र में सार्वजनिक सभा। शाम 4 बजे महाराष्ट्र के सांगली लोकसभा क्षेत्र में आयोजित भव्य रैली में शामिल होंगे गृहमंत्री शाह। शाम 6:30 बजे उत्तरी गोवा के मापुसा बस स्टैंड पर सार्वजनिक रैली का आयोजन, गृहमंत्री अमित शाह लोगों को करेंगे संबोधित। आज गुजरात दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अहमदाबाद और कच्छ में आयोजित जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 1 बजे के बाद अहमदाबाद में होंगे बीजेपी अध्यक्ष, अहमदाबाद में आयोजित रैली को करेंगे संबोधित। शाम 5 बजे कच्छ के गांधी मार्केट में जनसभा का आयोजन, बीजेपी अध्यक्ष ने लोगों को संबोधित किया। रात 8 बजे कच्छ पहुंचेंगे जेपी नड्डा, कच्छ के होटल वेडिसन में कार्यकर्ताओं से संवाद। गोवा में कांग्रेस नेता शशि थरूर का बीजेपी पर तंज, कहा कि आप पार्टी बदल ले अपने ज्योतिषी, बीजेपी के लिए 200 पार भी चुनौती है। लखनऊ में गृहमंत्री अमित शाह की बीजेपी नेताओं के साथ अहम बैठक, आगामी चरणों को लेकर चर्चा। बैठक में सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ यूपी के कैबिनेट मंत्री भी हुए शामिल, गृहमंत्री ने चुनाव से संबंधित दिशा निर्देश दिए। बैठक खत्म होने के बाद बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, 400 पार के लिए हमें उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतना जरूरी। रायबरेली और अमेठी पर सस्पेंस पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने हमला बोला था, कहा कि चाहे गांधी परिवार से कोई लड़े या ना लड़े, मायावती परिवार से कोई लड़ेगा वहां पर, जहां पर भी कमल खिलेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 80 सीटों पर जीतने का दावा किया, कहा कि अमेठी, रायबरेली और मैनपुरी हम जीतेंगे। यूपी के कैसरगंज से कटा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट बीजेपी ने बेटे करण भूषण सिंह को दिया टिकट। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके साधा बीजेपी पर निशान, लिखा कि एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई नैतिक दिशा निर्देश नहीं। कैसरगंज से ब्रजभूषण सिंह के बेटे को मिले टिकट पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया से पुरस्कार, बोले कि कई महिला पहलवानों पर उनके बेटे के लिए टिकट के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया।
शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करके बीजेपी पर उठाए सवाल, लिखा कि पिता ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दिया गया, क्या आप इस तरह महिलाओं को न्याय देने की बात करते हैं। सहरसा की रैली में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को बताया झूठा, फिल्म में गीत गाकर पीएम मोदी पर हमला। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। प्रज्वल पर महिलाओं के यौन शोषण करने का आरोप, राज्य सरकार ने मामले में एसआईटी जांच का आदेश दिया है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का केंद्र पर हमला, बोले कि मैं अमित शाह से अपील करता हूं कि वो हासन जाए और पीड़ितों से मिले। पीडीपी चीफ अनंतनाग राजौरी सीट से उम्मीदवार, महबूबा मुफ्ती की राजौरी में जनसभा। संदेशखाली में पीड़ित परिवारों से मिली सीबीआई की टीम, शाहजहां शेख के खिलाफ मामलों की जांच से संतुष्ट है कलकत्ता हाईकोर्ट भी। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछे 6 सवाल। दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारियों को हटाने के मामले में स्वाति मालीवाल का एलजी पर हमला, कहा कि आंदोलनकारी हूं, भले जेल में डाल दें, बंद नहीं होने दूंगी दिल्ली में महिला आयोग। जेल में उठा के डालो, अरे मैं कहती हूँ कल भी मत डालो, आज ही डालो, मैं तो इंतजार कर रही हूँ, बताओ ना कब डालना जाना है। हम क्रिमिनल है ना इस देश में, क्योंकि रेवन्ना और ब्रिजभूषण तो इनके चहेते हैं, हम क्रिमिनल हैं, हम जेल जाने को तैयार हैं। अब से इस्तीफा देने वाले दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद का केजरीवाल सरकार पर आरोप, अरबों का फंड नहीं किया गया इस्तेमाल, अनुसूचित जाति की महिला को अध्यक्ष होना चाहिए था। कुरुक्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल का प्रचार, यूरोप की यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग के लिए छात्रों को भेजेंगे। असम के दीमा हसाओं में भारी बारिश का कहर, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते कई जगहों पर भूस्खलन, संचार सेवाएं प्रभावित। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के बाद अब मौसम साफ, सफेद चादर में लिपटा दिखा भगवान विष्णु का धाम। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में बर्फ हटाने में सेना के जवान जुटे, 35 जवान और ट्रस्ट के 15 कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। 25 मई से शुरू होंगे हेमकुंड साहिब के दर्शन। केदारनाथ में बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट, 10 मई को खुलेंगे कपाट। दिल्ली के गालिंदकुंज इलाके में झुग्गियों में लगी आग, 50 के करीब झुग्गियां जलकर खाक। झुग्गियों में आग लगी और देखते देखते चारों तरफ फैल गई, लपटें आसमान में उठती हुई दिखाई दी। सलेम में मंदिर में प्रवेश को लेकर हुई जमकर झड़प, हंगामे, कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। सलेम में पुलिस के साथ झड़प करते हुए देखे कई लोग जलते घरों की तस्वीरें भी सामने आई। सलेम में अम्मान मंदिर में चिथिराय उत्सव की तैयारियां थी पूरी, दलित समुदाय के लोगों ने की थी मंदिर जाने की मांग, अन्य समुदाय के नेताओं ने नाराजगी, उसके बाद हंगामा हुआ। बेलारी में कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम में एसी में जोरदार धमाका हुआ, तस्वीरें सामने आई। बांदा में एक दिव्यांग व्यक्ति ने दाखिल किया अपना नामांकन, स्कूटर से पहुंचा कलेक्ट्रेट ऑफिस। उन्नाव में मुख्तार बाबा की 19 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई, संपत्ति पर पुलिस ने लगाया बोर्ड। बाड़मेर में सरकारी स्कूल में गलत रोल नंबर लिखने पर टीचर ने 7 साल के मासूम का बेरहमी से पिटाई कर डाली, बेसुध हुआ मासूम। उत्तराखंड के पौड़ी में नहीं थम रहा का तांड, अब रिहायशी इलाकों तक जंगलों की आग पहुंचे। देवरिया में पुजारी हत्याकांड में महिला समेत 10 लोग गिरफ्तार, डीजे बजाने को लेकर हुआ था विवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ का डीप फेक वीडियो वायरल करने को लेकर यूपीएसटीएफ की कार्रवाई, नोएडा से एक शख्स गिरफ्तार। अल्मोड़ा में जंगलों की आग की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, सियुनराकोट का मामला, 3 मजदूर झुलसे। ओडिशा के क्योंझर में एक स्टील प्लांट में धमाके में 10 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए, 50 मीटर के दायरे में असर। आरा में बालू माफियाओं ने मचाया तांडव, अवैध बालू खनन और आपसी वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में जमकर फायरिंग, 2 की मौत। देवघर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ब्राउन शुगर के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 बाइक और 3 मोबाइल फोन जब्त। कोटा से 3 दिन से लापता कोचिंग के छात्र का मथुरा पुलिस ने पता लगाया, हॉस्टल में रहकर निजी कोचिंग से नीट की तैयारी कर रहा था। दिल्ली के सीलमपुर में पुलिस और अपराधियों में एनकाउंटर, एक आरोपी को पैर में लगी गोली, गिरफ्तार हुआ। गुजरात में साबरकांठा में बेड़ा गांव में खौफनाक घटना, घर पर आए पार्सल खुलते ही जोरदार धमाका हुआ, बाप और बेटे की मौत।